नमस्कार मित्रों, मैं संजय एक बार दोबारा आपकी सेवा में। दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें और हर लम्हा आपका आपको बहुत अच्छा गुजरे। ठीक है, तो इसके विषय में आज आपको सर्दियों के बारे में एक नुस्खा बताऊंगा, जिससे हम अपनी खोई हुई जवानी जो है, मर्दाना शक्ति जो है, या कोई भी जनरल वीकनेस है, उसे हम निजात कैसे पा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, संजय न्यूज़ हेल्थ टिप्स को, और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें। ठीक है, बाकी जो आप इस नुस्खे का फ़ायदा लेंगे तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ये जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, ये सिर्फ घरेलू हैं, और सबसे बड़ी बात है, इनमें कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात है कि आप चाहोगे कि जैसे हम एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं तो फ़ौरन हमें उसमें एक्शन मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लगभग 10 से 15 दिन या 20 या महीना खाना पड़ती है, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा, हर इंसान के घर में मिलती है, नहीं तो हर किराने की दुकान है वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, कि चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी जनरल वीकनेस है, मर्दाना कमजोरी है, या कई बारी लेडीज़ में भी जो सेक्सुअली प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है, तो इससे वो भी बिल्कुल भरपूर फ़ायदा लेंगे। तो चलो मैं अभी बताऊंगा आपको आपने क्या करना है, कि खजूरें लेनी है। ठीक है, अगर सऊदी अरबी खजूर हो वो बहुत ही अच्छी होती है, अगर वो नहीं ले सकते तो जो हमारे इंडिया में भी होती है वो लें आप। खजूर आपने 9 खजूरें लेनी है, दूध में शाम को उबालनी है, अच्छे तरीके से उबाल के और सोते समय एक गिलास आप पी लें। आप लगातार 1 महीना करेंगे, आप यकीन मानेंगे कि आपको कोई किसी किस्म की कमजोरी, कोई किसी किस्म की मर्दाना शक्ति में बिल्कुल कमजोरी है, या लिंग में टेढ़ापन है, मोटाई कम है, तनाव नहीं है, उसमें भरपूर इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें यार। ठीक है, और ख़ासकर लेडीज़ में लिकोरिया इससे ख़त्म होता है। ठीक है, और दूध दूध आपको गाय का ही होना चाहिए। आप इसको प्रैक्टिकल करें तभी इसका बेनिफिट रहेगा। तो बाकी इसमें आपने क्या करना है, खट्टी हुई चीज़ें नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, इन 2 चीज़ों का परहेज रखना है आपने। ठीक है, मिर्च मसाले थोड़े कम कर देने हैं, बाहर का जो फास्ट फूड है ये भी तकरीबन आपने नहीं खाना है। ठीक है, तो बाकी शुक्रिया, आप इसको आजमाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में लाइक करें। लाइक करेंगे तो उसका यार मुझे थोड़ा हौसला मिलता है कि नहीं यार कोई का फ़ायदा ले रहा है, तो मैं और भी अच्छी सी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। नमस्कार।